स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैं मोहन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और आज एक और बेहतरीन इंटरव्यू लेकर आया हूँ आप सब लोगों के लिए आप सबको पता है कि इंटरव्यूज चलते जा रहे हैं है ना एक इंटरव्यू से पहले लिया था मैंने अनन्न ने आर्या का आई होप कि उससे आप लोगों को बहुत आइडियाज़ मिले होंगे प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी की एक्सेट्रा एक्सेट्रा आज एक कंप्लीटली डिफरेंट परस्पेक्टिव मिलने वाला है आप लोगों को क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ मेरे एक ऐसे स्टूडेंट को जो कि YouTube पे आता था मोइन सर के भाई के नाम से है ना ऑफकोर्स मेरा छोटे भाई की तरह है और uh, तो अगर इनके सब्जेक्ट्स की हम लोग बात करें तो कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इनके एक है इनका इंग्लिश ऑफकोर्स इंग्लिश तो होता ही है क्योंकि लैंग्वेज की जरूरत है इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस एंट्रप्रनरशिप और साइकोलॉजी तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग देख रहे हो कि कंप्लीटली डिफरेंट है इनका है ना इनका नाम है प्रभज्योत और प्रभजोत दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं आइए

ठीक है अगर सेवन सेवेंटी सिक्स मार्क्स लाने के बाद भी पसंद का नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा सर अभी भी डर है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है है बट मेरे को जितना लगता फॉर श्योर अगर तो मिल जाएगा कोई नॉर्थ कैंपस का ठीक है मैं प्रभज्योत के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को एक इनसाइट मिल जाए प्रभज्योत पिछले साल भी पढ़ा है और लास्ट ईयर भी इन्होंने सी दिया था सी में लास्ट ईयर इनका स्कोर था सेवन और इनका एडमिशन भी हो गया था एक कॉलेज में और उसके बाद इनको कॉलेज पसंद नहीं आया आ, किसी वजह से तो इन्होंने फिर ड्रॉप लिया फिर से पढ़ाई करी और इस बार इनके मार्क्स जो है वो सेवन सेवन सिक्स है तो किस तरीके से पढ़ाई करनी है उसके बारे में बात करेंगे अपन उससे पहले जानते हैं कि प्रवजोत आपके घर में कौन कौन है सर मम्मी पापा है, और एक छोटी बहन है ठीक है क्या करते हैं पापा सर है किस चीज़ का बिजनेस है कार्स का प्रॉपर्टीज का इन सब का बिजनेस है अच्छा तो रियल वगैरह संभालते प्लस कार्स पुरानी कार्स बेचने वाला टाइप्स ओके okay, तो गुड़गांव से ही लेकर जाते हो तुम लोग कार ठीक है अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ कि अड्डा कर कैसे लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है ठंडा है पे ठंडा है है ठीक बाहर गर्मी हो रही है काफी बहुत ज्यादा चलिए ठीक है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम यूट्यूब स्टूडेंट थे है, है ना लास्ट ईयर भी पढ़ा था तुमने हमसे यस yes, सर मैं ट्वेल्थ के लाइक like, लास्ट में मैंने पांच बजे सुबह उठ के देखा कि यार ये कौन सा बंदा साइंस की लाइव कर रहा है

क्यों दिमाग में आया ऐसा कि ड्रॉप लेना चाहिए कॉलेज मुझे मिला था उसका नाम था दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स ठीक है एंड मैं जब लाइक like, मेरे को जो कोर्स चाहिए था उसमें तो लाइक like, मिल गया था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए था मेरे को मिल गया था ठीक है But जब मैं फर्स्ट डे कॉलेज में गया मेरे को वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं लगा और मैंने ना बहुत लोगों की वीडियो देख ली थी जिन्होंने मेरे को बोला था कि सात पे तो नॉर्थ कैंपस कंफर्म है

फर्स्ट डे लाइक होता है तुम्हारा कि ऑडिटोरियम में बिठाते हैं तुम्हें सब गाइड करते हैं कैसा जाएगा तुम्हारे टीचर से तुम्हें मिलाते हैं मैं गया ही नहीं मैं अंदर ही नहीं घुसा मैं गया बाहर ग्राउंड देखा मैं ग्राउंड इतना छोटा है क्या खेलेंगे पे फुटबॉल स्पोर्ट्स कुछ भी मतलब कम था बहुत <laughs> मैं जितना माइंड में जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाइप बना रखा है लोगों ने कि सो so अप एंड ऑल सब बेस्ट वो सिर्फ नॉर्थ कैंपस में है साउथ कैंपस में एक दो कॉलेजेस ही अच्छे हैं इतने भी अच्छे नहीं है बाकी अच्छा तो स्पोर्ट्स में रुचि है आपकी ज़्यादा सर क्या खेलते हो सर सर फुटबॉल बेसिकली खेलता हूं और सर करता ठीक है तो यहाँ तो जा नहीं पाई है एडमिशन तो हो चुका था साउथ कैंपस में इनका बात करते हैं नॉर्थ कैंपस की है ना मार्क्स अच्छा है इस बार सेवन सेवेंटी सिक्स आए अब तो नॉर्थ कैंपस कोई रोक नहीं सकता है मतलब कोई भी कॉलेज मिल सकता है ऑफ कोर्स तुम्हारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेकिन नॉर्थ कैंपस में कौन सा कॉलेज है जिसको तुम टारगेट कर रहे हो

होने नहीं चाहिए थे क्या मेरे को पूरा आता है बट सर है। है। क्या हुआ मैं कर रहा था लाइव देखी थी आपने बोला इकोनॉमिक्स का पेपर मेरा पहला था छोड़ दिया था अच्छा बेसिकली छोड़ दिया था मैंने कहा मैं नहीं करूंगा मैं तीन पे ध्यान दूंगा फिर मैं पॉलिटिकल का देने गया इतना पता नहीं था ओ का बट मैंने ओ प्रैक्टिस करी थी घर में बट वो प्रेशर नहीं था वहां जाकर सर पंखा नहीं चल रहा मिसमैनेजमेंट इतना वो आए उन्होंने मेरी फटाफट खींची एंड वो साइन करने लग गए मेरे को ऑप्शन ए मार्क करना था मैंने ऑप्शन बी मार्क कर दिया तो उसकी वजह से एक क्वेश्चन गलत हो गया फिर मेरे को पता था वो क्वेश्चन गलत हो गया अब हाँ। सर जब पता होता है कि आपको एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका आगे का पेपर भी थोड़ा हो जाता है डाई सी सो सर सेकेंड क्वेश्चन में एक बीजेपी मतलब बीजेपी और जनता पार्टी का क्वेश्चन था जनता पार्टी उसका आंसर था मैंने जल्दी जल्दी में बीजेपी कर दिया

OMR वाली मशीन मशीन इसको कर और कर दी कि मैंने दिए थे के अगर वो हो गया तो एक ऊपर चली जाएगी मेरे बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं हुआ मशीन थोड़ी ज्यादा आगे निकल गई ठीक है अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कम्पलीटली अलग है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्ट चूज करते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में साइकोलॉजी है एंटरप्रनरशिप है इकोनॉमिक्स है पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द मेन स्ट्रीम्स का hmm. आपका सब्जेक्ट uh, है लेकिन बाकी जो एंट्रप्रेनरशिप uh, हो गया और इकोनॉमिक्स uh, हो गया बल्कि ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा खास करके जो आर्ट्स वाला बच्चा है वो डरता है इकोनॉमिक्स से hmm. है ना उसको बेटर लगता है कि यार इकोनॉमिक्स रहने तो कौन मैथ्स करेगा टाइप ठीक hmm. है वो मैथ्स के बच मैथ्स से बच के तो ह्यूमैनिटीज़ में आया है ठीक hmm. है तो तुमने इकोनॉमिक्स भी लिया एंट्रप्रेनरशिप भी लिया है ना और एंट्रप्रेनरशिप आई गेस कि ज़्यादातर कॉमर्स वाले बच्चे जो ऑप्ट करते हैं उसको फिर तुमने साइकोलॉजी भी लिया कम्प्लीटली डिफरेंट है ये सारे सब्जेक्ट्स है ना मतलब एक दूसरे से लिंक नहीं होते अगर तुम्हारे पास फ़िलोसफी होता तो भी मुझे लगता है कि हाँ पॉलिटिकल साइंस से या हिस्ट्री से थोड़ा सा लिंक कर रहा है ठीक है इसके प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम्स नहीं आई तुम्हें सर आई क्योंकि बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कोई एस सच मोहन सर जैसे टीचर नहीं है कि जो मेरे को ऐसे गाइड कर दे मैंने, सर, करी लास्ट ईयर भी मैंने की लाइन बाई लाइन आपको याद होनी चाहिए कई लाइक साइकोलॉजिस्ट के नाम होते हैं डेट्स होती है डिग्रीज होती है मतलब आईक्यू लेवल कितना है ये सब याद करना पड़ता है और सर मेरा वो पेपर ऑनलाइन में था तो मैं ऑनलाइन में ज्यादा कन्वीनियंट था मैंने पंद्रह मिनट में पेपर खत्म किया चार पांच बार उसको तो साइकोलॉजी के लिए बहुत सारे ऑप्ट करते आपके uh, तो लिए आप एनसीआर ही ग्रंथ है है ना बल्कि एनसीआर सब कुछ है लेकिन एक सब्जेक्ट है जो कि बड़ा ही खतरनाक है जो कि है एंटरप्रनरशिप है ना एनसीआर भी नहीं मिलती है बिल्कुल नहीं। कैसे प्रिपेयर किया इसको सर इस ये सब्जेक्ट बहुत कम लोगों पे होता है पहली बात तो एंड इसकी आप एनसीआर जाओगे मार्केट में आपको नहीं मिलेगी नहीं मिले हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी इसकी सब बच्चों पे फोटो कॉपी होती, होती है मेरे मेरे स्कूल में 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 थी एंड को पता नहीं था था क्या है क्योंकि मैं जब 11th में था, मैं जब मजे मजे ले ली थी 10th में ठीक है कि कुछ नया आया, आया स्कूल में ट्राई करते हैं लेके बट सर फिर मैं आगे बढ़ा आगे बढ़ा मेरे को सबसे बेकार सब्जेक्ट लगने लग गया अगर टीचर कहने लग गई कुछ नहीं हो सकता तेरा तू तो इसमें फेल होगा जो मर्जी कर ले कितने मार्क्स है

पसीने वसीने जो है वह सपना सर लेकिन वो बहुत हेक्टिक हो जाता है वो आपका थम प्रिंट लेते हैं आपकी आइज एंड ऑल वो करते हैं बहुत टाइम जाता है और बच्चा बहुत इरीटेड होता है मैं बहुत इरीटेट होता हूँ पर्सनली अगर कोई मेरे ऐसे इतना तंग करे मेरे को है कि आप सीधा मेरे को लेके जाओ बिठाओ मैं पेपर करके आ जाऊँगा इसके बाद नहीं लाइक आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते अगर आपने कुछ पहना हुआ है रिलीजियस तो आपको उसको पहले चेक करवाना पड़ेगा

एंसर बहुत भगाते हैं कभी आपका ऊपर होगा कभी आपका नीचे होगा मैं नीचे वाली टीचर पे जाके बोल रहा हूँ आपको बिठा दीजिए मेरा ये है वो कह रही रहे नहीं चलिए तो एग्जाम तो हॉल का कम्प्लीट सिनारियो पेश किया है प्रवजोत ने आप लोगों के सामने तो इन सब चीजों के लिए रेडी रहना है आप लोगों को अच्छा एक क्वेश्चन जो आपसे मुझे पूछना था जो कि मैं इंटरव्यू से पहले ही सोच के आया था दो पूछने बल्कि है ना एक क्वेश्चन तो ये है कि

दिल्ली यूनिवर्सिटी तक नहीं गया नहीं है ठीक लाइक uh, like, मैं अपनी मैं खुश था कि मैं अपनी मम्मी को पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा एक्चुअली hmm. बट नहीं हुआ मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाया बट नॉर्थ नौ, कैंपस नहीं दिखा पाया hmm. तो थोड़ा थोड़ा था सर ड्रॉप लेके बहुत घर वाले भी मेरे से थोड़ा नाराज थे नाराज थे।, थे थोड़ा चिड़ गए थे दे टू से कभी कभी हमारी लड़ाई हो जाती थी तो हमेशा कहते थे क्या लाइक तूने कर लिया ड्रॉप लेके तेरे आगे के इतने सारे बढ़ गए अच्छा वाला कॉलेज मिला था तूने छोड़ दिया

रात को तीन बजे भी मैं बैठा होता हूँ आके चुपचाप कॉफी साइड में रख जाती क्योंकि बीच में हमारा थोड़ा खराब हो गया था रिलेशन ड्यू टू तो दिस कि यार सब आगे बढ़ रहे हैं तू पीछे क्यों जा रहा है एंड सर मेरा प्लान नहीं था मेरे मैंने एसओ में एडमिशन ले लिया था <laughs> मैं कंटिन्यू कर रहा था मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी मैं बच्चों को ट्यूशन प्रोवाइड कर रहा था नाइन्थेंथ क्लास के एस पढ़ा रहा था एंड <laughs> बट <laughs> फिर बीच में मेरे को लगा अराउंड मार्च मेरे को लगा कि यार एक बार ट्राई कर लेते हैं इस बार मेरा मन था मैंने मम्मा से पूछा मम्मा क्या पागल हो गया फिर देगा क्या कर लेगा उतने नंबर आ गए फिर सैड होगा एक तो जनरल है मैंने कहा मम्मी एक बार ट्राई कर लेता हूँ हार्मी नहीं दी मैंने चुपचाप पापा से पैसे लिए मैंने फॉर्म भर दिया अभी भी उनको मैंने खुद ही गया सेंटर पे लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था इतनी कन्वीनियंट थी मम्मी साथ जा रही थी पापा साथ जा रहे थे बिल्कुल बच्चे की तरह लेके जा रहे थे चल सेंटर तक छोड़ के आते सब करके आते हैं इस बार मैंने खुद ट्रैवल करा मेट्रो रिक्शा पैदल जहा जहाँ सेंटर गाँव गाँव खुद किया चलो तो देख रहे हो तुम लोग कहानी स्ट्रगल है ना और स्ट्रगल के डेज जो होते हैं ना बहुत आ, याद भी आते हैं बाद में कि हाँ यार ऐसा किया था हम लोगों ने है ना आप लोगों को शायद नहीं पता होगा लेकिन <coughs> मैंने बताया अपने स्टूडेंट्स को यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी नहीं बताया मैंने अपने पेड़ वाले स्टूडेंट्स को बताया था ये, ये बात कि दो में जिसको आज आप लोग मोइन सर के नाम से जानते हो मैं मोमोज बेचता था है ना आ, साकेत में मोमोज बेचता था मेट्रो स्टेशन पे और ठीक है ऊपर वाले का शुक्र है कि अब जो है काफ़ी अच्छा नाम हो गया है है ना आप लोगों की बदौलत है माँ बाप की दुआओं की वजह से है लेकिन हाँ स्ट्रगल वाले डेज़ जो है वो भूलना नहीं है कभी भी है ना वो हमेशा तुम्हारे पैर ज़मीन पर रखते हैं ठीक है कितना ही तुम अचीव कर लो घमंड आने नहीं देते हैं ईगो आने नहीं देते हैं ठीक है हाँ एटीट्यूड ज़रूर लेकर आते हैं और वो होना भी चाहिए आप लोगों में ठीक है तो एंटरप्रेनरशिप की बात कर रहे थे अपन कि एंटरप्रेनरशिप में किताबें नहीं मिलती है नहीं है ना फिर भी तुम्हारे 194 मार्क्स है तुमने पढ़ा सॉफ्ट कॉपी से जिसका प्रिंट आउट निकल रहा था उसका सिलेबस भी इतना डिफाइन नहीं है सी यू टी में आपको कुछ बोला जाएगा लाइक एक लाइन है मतलब सी यू टी की कि इसके बाहर नहीं आएगा

जब आंसर की वगैरह आई तो क्या तुमने कोई आंसर चैलेंज किया था सर चार क्वेश्चन चैलेंज करे थे चारों ठीक हो गए अरे वाह दो ठीक दो है।, <laughs> है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एन टी पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा है हो जाता है ठीक है तो चार के चार देखो अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने सही किया है और आंसर की मैं गलत आया है तो यू कैन चैलेंज दैट क्वेश्चन और ठीक है दो सौ रुपये में अगर ठीक हो रहा है आंसर है ना अच्छा कॉलेज मिल रहा है सोलह मार्क्स बढ़ रहे हैं आप लोगों के सॉरी कितने सोलह बीस, बीस चार हाँ बीस मार्क्स अगर आप लोगों को बढ़ रहे तो वेल एंड गुड ठीक है चलिए प्रभज्योत मम्मा के बारे में बात कर रहे थे अपन ठीक है मम्मा क्या करती है astrologer. अच्छा एस्ट्रोलॉजर जी तो उन्होंने कुछ देखा होगा तभी बोला होगा क्यों ड्रॉप ले रहा है टाइप्स काइंड ऑफ उन्होंने लाइक

माननी माननी है किसी भी हालत में ठीक है मैं भी पछताता हूँ कि मम्मी की बातें बहुत सारी नहीं मानी थी मैंने पास्ट में ठीक है हालांकि मेरी मम्मी कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं है लेकिन मम्मी की बातें मानो भैया ठीक है और पापा की इज्जत करो है ना और तुम्हारे पापा बाप होने चाहिए ठीक है थीके? पापा नहीं होने चाहिए खैर सी के पूरे प्रोसेस में सबसे खतरनाक चीज़ है टाइम मैनेजमेंट हाँ जी सर ड्रॉपर एक तो टाइम तो है तुम्हारे पास क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे हो एक्सेप्ट कि तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो ठीक है उसके अलावा पूरा दिन फ्री है लेकिन बींग अ ड्रॉपर तुम्हारे पास डिस्ट्रेक्शन भी बहुत है बहुत ज़्यादा है ना क्योंकि तुम्हारे हाथ में एक फ़ोन है ठीक है सोशल मीडिया है और ख़ास कर इंस्टाग्राम है ठीक है प्लस जो थोड़ा वो स्मार्ट होता है तो वो अपने आप को दिखाना भी चाहता है इंसानी फितरत है है ना हमारे कैरेक्टर में ये चीज़ कि भैया हम फोटो डालें हम वीडियोस डालें हमारे पे लाइक आए पॉपुलर हो जाए एक्सेट्रा एक्सेट्रा है 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 ना और इस में में तो 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 सबको लगता है कि हम है। तो हम जो जो अच्छा तो है ही ही मॉडल ठीक हमसे अच्छा कोई नहीं टाइप्स तो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस तुमने कैसे मैनेज किया टाइम अपना अच्छा। मैं पूरी दो भर दी थी। मैंने डायरी छोटी छोटी थी, डायरी होती मैंने पूरी रोज की एक एक बनाता था और रोज ना उस पर जान मूझ के पूरा काटा मारता था खुशी मिलती थी फिर सर ये आदत बन गई और ये बहुत अच्छी आदत बन गई अभी तक मैं स्टिक रहता हूँ इस आदत से कुछ भी मेरा काम होता है मेरे को आज यहाँ आना था मैंने वो भी लिख रखा था बट सुबह मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी मैंने सर को बोला नहीं हो पाएगा बट आ गया मैं काम सर काम तो काम होता काम काम, काम है, है। सर बेसिकली टू डू लिस्ट बनाता था घंटे नहीं देखता था मैं इतना पढ़ता भी नहीं था घंटे में ठीक है तो रोज के टॉपिक सेलेक्ट कर लिए और उन टॉपिक्स के हिसाब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट बस ठीक है तो पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं

ना, between the line है ना बहुत सारी चीजें होती जो कि एक आम बच्चा जो पढ़ने की 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 कोशिश करे तो तो वो नहीं नहीं पढ़ पाए ठीक है इसके लिए क्या किया तुमने सर सबसे पहले मेरा कोई प्लान नहीं था देने का मैंने क्लास की पॉलिटिकल की देना अच्छा। एक बच्चा अपने स्कूल का जूनियर पकड़ लिया उसको दी उसको समझाया तो साथ आगे बढ़ने का डिसीजन था तो मेरा

मैं क्या है इस बार ट्वेंटी फोर में आ गया तो मैं तो फिर कोई निमोनिक्स नहीं है निमोनिक कुछ भी नहीं है उसको याद करने का बहुत मुश्किल से याद करी मैंने बट तो फिर कर ली मैंने वो भी याद कर रखी है डेट कौन सी कब रिलीज हुई है इस साल ना आ जाती तो सर लाइन बाय लाइन करो स्टोरी की तरह बनाओ देखो जो सेकंड बुक है वो तो पूरी स्टोरी है जो इंडिया वाली बुक हाँ इंडिया वाली बुक है सर पूरी स्टोरी है आप उसको आराम से स्टोरी की तरह पढ़ो ऐसे दिमाग में प्रेशर मत लो कभी कोई जाता है कभी कोई किसी की डेथ होगी कभी कोई आएगा किसी की डेथ होगी ऐसी स्टोरी चलती रहेगी पॉलिटिक्स बुक, बुक वाली, अलग -अलग है। है। बुक बुक वाली जो बुक है इंडिपेंडेंस की उसमें भी मिलेगा, में मिलेगा हो रही है तो उसका फायदा उठाओ क्वेश्चन तो आपके वही से उठ के आने अच्छा एक क्वेश्चन जो पूछना चाहता हूँ तुमसे और मैं वो ये है कि टेंथ के बाद ह्यूमैनिटीज क्यों चूज किया था सर कोई प्लान नहीं था मेरा लेने का मेरे दोस्त ने ली थी तो मैंने भी ले ली अच्छा मेरे को साइंस लेनी थी तब कोविड का टाइम था तो मेरे पास प्रिविलेज थी कि साइंस ले सकता हूँ नंबर स्कूल वालों ने कहा इतने मैटर नहीं करते अब जिसको जो लेना ले लो क्योंकि पेपर हुए नहीं थे तो सर मैंने बेसिकली देखा दोस्त ले रहा है मैंने देखा साइंस की तरफ चला जाता तो भी मेरे को नॉलेज नहीं थी टू बी मेरे घर से कोई इतना आगे गया नहीं है मैं फर्स्ट हूँ मतलब, पीछे अपनी बहन को गाइड करूंगा क्योंकि मैं हमेशा से जाता था मेरा कोई आगे हो बड़ा भाई हो कोई कजन हो या कोई मेरे को बताए कि भाई साइंस ले ले आगे ये ऑप्शन है लेने के लिए क्या लगता है ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम अच्छी है सर अच्छी है बहुत इंटरेस्टिंग है किसी किसी को मेरे को एसएसटी में शुरू से थोड़ा इंक्लाइन था में को, टेन, में सिर्फ अच्छी लगती थी। अच्छा। पर मेरे को यह था इसका कॉन लगता है कि आपके ऑप्शंस कम हो जाएंगे और साइंस वाला बच्चा ह्यूमैनिटीज का कोर्स कोई भी कर सकता है डी में भी सीट ले सकता है कुछ भी कर सकता है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और जहाँ तक तो मैंने देखा है कि एक पर्सपेक्टिव इंडिया में यही बना हुआ है कि ह्यूमैनिटी से तो नहीं होता कुछ ठीक है हालांकि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसमें ज़्यादातर आती है एस टी है, है ना मतलब ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड चाहिए उसके लिए अगर आप साइंस वाले भी हो तो भी आप लोगों को झुकना पड़ेगा ह्यूमैनिटीज़ के सामने ठीक है प्लस uh, जो गवर्नमेंट ए एग्ज़ाम्स है जो टॉप लेवल के एग्ज़ाम्स है उसमें UKS तो हाँ सी सी लगा लो आप लोग है ना सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है अपना तो उसमें भी नाइन्टी फाइव परसेंट या उससे भी ज़्यादा यही आता है, है ना तो एक तो यह पे हेल्प करता है प्लस जॉब्स uh, की मुझे भी नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें ठीक है so, क्योंकि एन uh, जी ओज़ में ही इतने जॉब्स हैं अगर आप सोशल वर्क वगैरह करते हो या कुछ भी करते हो एन जी ओज़ में इतनी जॉब मिल जाती है अपने को टीच टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में इतनी जॉब्स मिल जाती है कि काफ़ी फ़ायदा होता है और सैलरी पैकेजेस भी अच्छे हैं ठीक है बस ये है कि लोगों को नोन नहीं है कि किस तरीके से हम लोग आ, कोई गाइड नहीं करता है पता नहीं है है ना मेरा अभी एक रिसेंटली फ्रेंड है जो कि एक एन में लगा है दिल्ली में ही लगा है हाउस खास में हुँ। और हुँ। उसको काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज दे रहे हैं वो लोग ठीक है और एक और दोस्त है वो टाटा वालों के साथ लगा है एन में लगा है और उसको तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है जॉब्स है है ना बस ये है कि आपको नहीं है सर

ना नीड का का स्कैम हो गया का रिजल्ट लेट होता जा रहा रहा है है लगातार नहीं। रोज नई अपडेट आ रही है कि आज नहीं आएगा आएगा दो हफ्ते लगेंगे सुप्रीम कोर्ट के डेट के बाद मेंटल हेल्थ पे क्या चल था था बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा सर बहुत इरिटेटिंग था। क्योंकि एक तो ड्रॉप था yes, तो लगे थे जो आपकी ओएमआर शीट्स है वो ओपन लाइक like रखी हुई हैं हां 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 वो आ रही थी बहुत वायरल हो रही थी उसके वो बॉक्सेस दिखाई हुए हाँ, थे सर और डर गया मैं मैं कहा मेरी अगर गायब हो गई भाई साहब भगवान करे मेरा ये सब लग खराब हो गया तो कोई उठ गई तो क्या करूंगा तब मम्मी से नहीं पूछा मम्मी देख लो कुछ नहीं ऑब्वियसली तो कुछ नहीं पूछा मैंने बिटवीन

ये थे युवराज आप लोगों ने पूरी हिस्ट्री जोग्राफी देख ली इनकी हालांकि दोनों भी सब्जेक्ट नहीं थे इनके पास साइकोलॉजी के लिए इन्होंने बताया आप लोगों को कि एन को ग्रंथ मान के चलिए एंट्रप्रेनरशिप अगर आप लोगों के पास है तो सॉफ्ट कॉपी जो मिलती है मार्केट्स में उसके ऊपर डिपेंड रह, रह लीजिए प्लस थरोली पढ़ना है उसको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो मार्जिन बनाई हुई है सी ने उसके बाहर भी क्वेश्चन आते हैं hmm. पॉलिटिकल साइंस के लिए एन सी ऑफ कोर्स है ना वीडियोस देखिए आप लोग इनके पास और इंग्लिश था इकोनॉमिक्स का पेपर इन्होंने नहीं दिया है इकोनॉमिक्स किया सर मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं इकोनॉमिक्स भी दूंगा तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से अस्सी एक 180, 190 कुछ आ जाएंगे बट सर मैं अगर इन्हीं पे फोकस रखूं और एक सब्जेक्ट अपना ना बढ़ाऊँ क्योंकि सर उसकी भी दो से तीन बुक्स हैं क्यों मैं अपने ऊपर लाइक प्रेशर लूँ एक तो ड्रॉपर करूँ पहले से ही ऑर्डर लगता है तो मैंने सर अपना सबसे इजी सब्जेक्ट चूज करे उनको अपना मेन टारगेट करा सिर्फ उन्हीं को पढ़ा इकोनॉमिक्स like भरा पैसे भरे उसके भी बट देने नहीं गया पे पे अभी मेरी मार्कशीट लिखा चलो इसी को कहते हैं कि टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट है ना मतलब एक बार डिसीजन ले ही लिया है तो अब सही है वो डिसीजन है रिग्रेट नहीं करना है उसको है ना तो प्रवजोत से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है आप लोगों को आई होप कि ये इंटरव्यू आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है खासकर उन बच्चों को जिनके पास साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स है और जिनकी कोचिंग्स बड़ी ईजिली नहीं मिलती है है ना एंटरप्रीनियरशिप की कोचिंग्स नहीं मिलती है इवन यूट्यूब पे नहीं मिलती है ठीक है बैकग्राउंड देख लिया सेवन सेवेंटी सिक्स मार्क्स आए हैं इनके uh, एक तो अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ लास्ट एंड करने वाले अपन अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ने कैसे हेल्प किया आपको सर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ने मेरे को एक मोहन सर जैसे भैया दे दिए जो मेरे को पढ़ा सकते हैं और जिन्होंने मेरे को बताया कि हाँ भाई निकल जाएगा इस बार भी क्योंकि सर बेसिकली मैं फ्री बैच का स्टूडेंट था मेरे को लाइक आपसे कनेक्ट होना था

हंड्रेड पर मिलेगा बहुत सारा बिल्कुल बिल्कुल सारा। मिलेगा अच्छा आ, एक मैसेज आपकी तरफ से जूनियर्स को है ना बताओ जूनियर्स को कि क्या करना चाहिए ड्रॉपर्स को ड्रॉपर्स को क्या करना चाहिए है ना और एक मैसेज ये भी बता दो कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मैं बताऊंगा आपको बेसिकली आपको इंग्लिश पे बहुत ध्यान देना चाहिए इंग्लिश बहुत मेन है मेरे लास्ट टाइम इंग्लिश में 110 आए थे इस बार इंग्लिश में 194 आए हैं तो मेरी इंग्लिश बहुत खराब है मेरे को ग्रामर का कुछ भी नहीं आता था मेरे को वोकेबलेरी कुछ भी नहीं आती थी मेरे पास वर्ड्स नहीं थे बेसिकली बट सर फिर मैंने इस साल प्रेपरेशन ढंग से करी ग्रामर की करी एंड ऑल इंग्लिश की करी तो अब वो हो गया मैंने एक मोटी सी बुक परचेज कर ली फॉर वोकेबले एंड सर उसको मैंने बाय लाइन बाय लाइन करता गया करता गया लिखता गया उससे याद हो गया इसलिए सर 110 से 194 का जंप आया और इस बार ग्रामर भी नहीं आई है बट मैंने ग्रामर भी पूरी कर ली थी <laughs> एंड सर ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मैं आपको बोलूंगा अगर आपको कॉलेज से फ़र्क पड़ता है कि नहीं बहुत अच्छा होना चाहिए चाहिए मेरे को थोड़ा एक है तो सर आप ले लीजिए अगर आपको नहीं लेना तो आप जहाँ हैं वहीं रहिए आगे की तैयारी करिए क्योंकि सर ज़रूरी नहीं है अब हर चीज़ जो हम चाहते हैं मिल जाए uh -huh. क्योंकि सर मेरे साथ भी ये हुआ मैं जो चाहता था नहीं मिला मैंने एक और ट्राई दिया अब इस बार शायद मिल जाए बट इस बार अगर नहीं भी मिलेगा तो मैं स्टिक कराऊंगा जो मिलेगा घर वाले छोड़ेंगे नहीं मेरे को फिर और <laughs> मम्मी जी पिटाई कर देना इसके अच्छे से और आप नहीं कर पा रहे तो मुझे भेज देना मैं कर दूंगा ठीक है और जूनियर्स के लिए एक मैसेज अड्डा को फॉलो कीजिए मोहन सर को फॉलो कीजिए अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं हिस्ट्री आ, की अनीता मैम है उनसे पढ़िए लाइक मैं तो इतना नहीं पढ़ा मैं सिर्फ मोहन सर से पढ़ा मेरे पास हिस्ट्री थी नहीं एंड आप इंग्लिश के लिए रुबिका मैम को या सर को जो है उनको फॉलो कर सकते हैं फॉर श्योर आपको एक बढ़िया कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड होगा बट आप स्टिक रहिए। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं जल्दी स्टार्ट करके सबसे आगे हो जाऊंगा ठीक है मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है आप करते तो हैं है। है। टॉपर नहीं हूँ टॉपर नहीं मान रही सिक्स टॉपर के नंबर नहीं होते टॉपर के नंबर होते हैं बट ड्यू टू लक मेरे खराब हो गए बट मैं अपने आपको अभी टॉपर नहीं मानता और सर अगर आपको टॉपर बनना है तो आप जल्दी स्टार्ट कीजिए मेरी तरह इतनी लेट मत कीजिए मैं तो यहाँ तो कुछ -कुछ मुझे पता नहीं क्यों कि लग रही है, ना? तो एक लास्ट ओके सर, सर का भाई ये आइडिया कहाँ से आया तुम्हें सर 2023 में बहुत सारे बच्चे थे यूट्यूब पे ना आपका ध्यान लेने के लिए अपना नाम रखते थे मोहन सर की बेगम मोहन सर का ये मोहिंद सर का वो अब मैं कह रहा हूँ करूं क्योंकि करूँ को आंसर देने में बड़ा मजा आता था तो मैंने अपना नाम रख लिया मोहिन सर का भाई और पता नहीं कहाँ से आया वो मेरे दिमाग में आया मैंने रख लिया और बहुत ज्यादा चलिए तो ये कुछ बेहतर है अगर तुम्हें टीचर का अटेंशन चाहिए तो खैर आई होप कि ये वाला इंटरव्यू बहुत ज्यादा मजेदार लगा होगा आप लोगों को और बहुत इंसाइट्स मिले होंगे बहुत सारा आ, फायदा होगा आप लोगों को इस इंटरव्यू से है ना प्रभजोत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आ, अभी मिलते हैं अभी अपन है ना इंटरव्यू के बाद भी ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर मैं आप सब लोगों के सामने आता रहूँगा आई होप कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे ज़रूर सी यू अड्डा ट्वेंटी के प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़ेंगे है ना और अगले साल का एग्जाम अपने को फोड़ना है ठीक है प्रभजोत जैसे मार्क्स लाने प्रभजोत से अच्छे मार्क्स लाने हैं ठीक है और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जो भी आप लोगों की ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें आप लोगों का एडमिशन हो ऐसा मैं और प्रभज्योत दोनों प्रार्थना करते आ, ठीक है आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा पसंद आया है तो इसको लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों को दिखाइए मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार प्रभजोत के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में तब तक के लिए मोइन पठान और प्रभज्योत आप सबसे कहते हैं जय हिंद